नोएडा फेज वन पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा गया जो नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी वीजा लोगों को देता था। इस कंपनी का नाम SRK इंटरनेशनल था और यह पहले पटना में लोगों का इंटरव्यू लेती थी और उसके बाद उन्हें नोएडा Sector 3 बुलाती थी और 40 से 65 हज़ार रुपये के बीच लेने के बाद उनको एक फर्जी वीज़ा देते थे और उसके बाद वो लोग अपना ऑफिस बदल लेते थे और अपना ऑफिस चेंज कर लेते थे। यह लोग पहले दिल्ली में कुछ जगहों पर इनका ऑफिस ऑपरेट कर रहा था और अभी पिछली 20 तारीख से 20 जुलाई से यह लोग नोएडा में अपने ऑफिस को चला रहे थे। दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है जिनका नाम रविंद्र प्रताप सिंह और मोहित कुमार है। इन दोनों के पास से कुछ वीज़ा, पासपोर्ट, मॉनिटर, CPU, प्रिंटर और 60 हज़ार रुपये कैश बरामद हुए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।